अमेरिका ने केवल 4 दिनों में ही चांद की सतह पर कदम रख दिया था। वहीं रूस ने भी चांद की सतह पर पहुंचने में लगभग इतना ही समय लिया था, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लेगा चांद की सतह तक पहुंचने में। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना समय का डिफरेंस क्यों है, इतना समय क्यों लग रहा है? तो ये सब सारी जानकारी आज हम जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन वॉरियर की एक और नई वीडियो में। भारत का चंद्रयान 3 अपने सफर पर निकल चुका है और अब चांद पर सेफ लैंडिंग का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार 1-2 दिनों का नहीं है बल्कि 42 दिनों के लंबे इंतजार के बाद चंद्रयान 3 जो है ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब ये बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि जब 1959 में सोवियत संघ ने चांद पर लूना 2 भेजा था तब ये महज 34 घंटों में ही वहाँ तक पहुँच गया था। 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन रवाना किया और ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस सफर में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, जबकि आज से 50 साल पहले तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब भी रूस और अमेरिका काफ़ी कम समय में चांद पे पहुंच गए थे। असल में चांद पे पहुंचने में कितना समय लगेगा ये रॉकेट के डिजाइनिंग, खर्च होने वाले फ्यूल और यान की स्पीड पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को तय करने के लिए हाई स्पीड और सीधे प्रक्षेपण पथ की आवश्यकता होती है। अपोलो 11 के लिए नासा ने एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम था। रॉकेट के शक्तिशाली इंजन ने केवल 4 दिन में ही अपोलो 11 को 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचा दिया था। 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा ने 1300 करोड़ रुपये खर्च किए थे, यानी कि आज के समय से लगभग 8500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा। भारत के पास नासा के जितना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चंद्रमा पर ले जा सके, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं इसरो कम बजट में बेहतर काम करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए एक दूसरा रास्ता चुना है जो कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LBM-3 रॉकेट को चुना गया है और ये वही रॉकेट है जो इससे पहले चंद्रयान 2 को लेकर के चंद्रमा पे गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत के चंद्रयान का बजट केवल 600 करोड़ है, यानी नासा के मून मिशन के बजट के आधे से भी कम का है। चांद पे पहुंचने में कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरीके का है और उसके साथ साथ उसको ऊर्जा देने वाले फ्यूल के प्रकार और मात्रा का भी इस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। इन सब फैक्ट्स को दिमाग में रख करके ही चांद पे जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पे पहुंचना है उतना ही ज़्यादा फ्यूल जलेगा, उतना ही ज़्यादा खर्च भी आएगा। जैसे कि भारत के चांद मिशन में इस LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है जो पहली बार इंसान को चांद पे ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले बेहद कम पावरफुल है, लेकिन इस पर खर्चा भी काफ़ी कम आया है। अब कम पावर में चंद्रयान 3 चांद पे पहुँचे कैसे? कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुँचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से उनका ज़्यादातर समय इनकी परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसमें ईंधन बेहद ही कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह चांद तक पहुँचेगा। यही वजह है कि इसको चांद तक पहुँचने में लगभग 42 दिनों का समय लगेगा। इसरो चीफ ने बताया कि चांद तक पहुँचने में तो महज 5 दिनों का ही समय लगेगा, बाकी समय ये जो सैटेलाइट है या तो पृथ्वी का परिक्रमा करेगा या फिर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, क्योंकि चंद्रयान आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर जो समय है चंद्रमा या फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने में ही बीत जाएगा।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट छूट गया हो तो ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।